नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अंतरा क्रिएशंस के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये मेरे अपराजिता के पौधे हैं, एक ब्लू है और एक वाइट है। ब्लू तो मेरे पास काफ़ी समय से था, पर वाइट को मैं अभी कुछ समय पहले ही नर्सरी से लेकर आई हूँ। इन दोनों पौधों को मैंने अपने DIY पॉट में लगा दिया था। इन DIY पॉट को मैंने पुरानी टूटी बेकार पेंट की बाल्टी को सीमेंट से कवर करके बनाया था और आप देख ही सकते हैं ये कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों, अपराजिता को आमतौर पर विष्णु कांता या शंख पुष्पी भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु और शिव को अति प्रिय है और ये औषधि के रूप में भी सेहत के लिए लाभदायक माना जाता है। इसके फूलों की चाय भी बनती है। दोस्तों, अपराजिता का पौधा झाड़ीनुमा बेल वाला पौधा होता है। इस पौधे को सपोर्ट मिल जाए तो ये काफ़ी अच्छे से फैलता है, तो मैं सोच रही हूँ आज इसको सपोर्ट देने के लिए कुछ जुगाड़ करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास ना कुछ पाइप रखे हुए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि ना इसी से कुछ जुगाड़ कर लेती हूँ। पाइप के ना ये जो सिरे हैं थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ इनको काट करके बराबर कर लेती हूँ। तो दोस्तों, काटते काटते ना मेरी ब्लेड भी अचानक से टूट गई। पर ब्लेड टूटी तो क्या हुआ, काम को तो मैं बिल्कुल नहीं रोक सकती। जब काम में मन लग जाता है ना, तो जैसे तैसे जुगाड़ करके करना ही पड़ता है। तो मैंने ऐसे ही इसको काट लिया। देखिए, पाइप तो हमारे कट चुके हैं। अब यार ये ना मेरे पास पुरानी पाइप रखी हुई थी, जिससे हम पानी वगैरह डालते हैं ना, ये पुरानी पाइप रखी हुई थी। तो मैंने क्या किया, मेरे पास तार भी था, तो मैंने तार को इस पाइप के अंदर से डाला। वैसे खाली तार से भी हम इसको कर सकते थे कवर, लेकिन थोड़ा सा पाइप के अंदर डालेंगे तो थोड़ा सा हमें एक बेस मोटा मतलब मजबूत मिल जाएगा और एक बेस बनाने के लिए बहुत ही अच्छा जुगाड़ रहेगा। पुरानी चीज़ों को कैसे और कहाँ यूज़ करना है, ये काम करते करते अपने आप ही आइडिया आ जाता है दोस्तों। तो मैं पुरानी कोई भी चीज़ हो ना वेस्ट नहीं जाने देती, और कहाँ किसकी कब ज़रूरत पड़ जाए वो पता नहीं चलता, तो इसलिए सब कुछ संभाल के रख लेती हूँ। इस पाइप को इसके अंदर डाल करके एक मतलब कपड़े या पॉलिथीन से कुछ भी करके कवर करके इसको बंद कर देता, ताकि पाइप हिले नहीं। दोस्तों, ये तो हमारा बन गया है, तो इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए मैं इसमें दोबारा से एक कोट कलर का और कर देती हूँ। और जो ऊपर से मैंने पाइप लगाया था ना, उसमें भी कलर नहीं था, तो साथ ही साथ इसमें भी कलर कर देती हूँ।
अब बारी आती है दोस्तों प्लांट को ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए और सपोर्ट देने की। तो यहाँ पर ना मैं जूट रोप को इस तरह से क्रॉस करके लगा दूंगी पूरे उसमें पाइप में ऊपर से नीचे तक। तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये कितना खूबसूरत लग रहा है हमारे अपराजिता को सपोर्ट देने के लिए जो हमने बनाया था, इसे स्टैंड कहें या सपोर्टर कहें। ये 1 से 1.5 महीने का व्यू है जब मैंने इसको बनाया था। तो अब आप देख सकते हैं ये पूरी बेल कितनी बड़ी हो गई है और इसने पूरे स्टैंड को इस तरह से कवर कर लिया। देखिए पूरे पाइप्स जो हैं हमारे कवर हो गए हैं और ये जो हमने जूट रोप लगाई इतना बीज इसी के सहारे से ये ऊपर तक गई है। देखिए यहाँ तक पूरी इतनी बड़ी हो गई है और इसमें फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। इसमें जो मैंने ये आप देख रहे हैं ना कलरफुल फ्लावर्स, ये मैंने प्लास्टिक की बोतल से बनाए थे और मैंने इन्हें ना इसमें लगा दिया ताकि इससे थोड़ा और कलरफुल इसका लुक आए और ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं इसमें।